नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्री यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, 2000 से ज़्यादा पदों पर रेलवे में भर्ती होने वाली है। आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और जो भी लोग यहाँ पर इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं वो सभी लोग यहाँ पर इस आवेदन को जल्दी जल्दी कर दें क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या क्राइटेरिया है सब भी आप लोगों को आगे नोटिफिकेशन में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर देखते रहिए। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, 10वीं पास हैं, साथ में ITI किया हुआ है, उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये समझ लो एक आपका गोल्डन चांस है। 2000 से ज़्यादा पदों पर आप सभी लोगों को भर्ती यहाँ पर निकल के आई हैं। जी हाँ दोस्तों, किस जोन में आई हैं, कहाँ पे हैं, कैसा क्या है, सब कुछ आपको आगे नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो एज ग्रुप है, ये है 15 से 24 साल के लोग, सभी लोग भर सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं हमारा नोटिफिकेशन और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह की डेली अपडेट्स पाते रहने के लिए। सभी आपकी जॉब की रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं, जितने भी वैकेंसीज आती हैं, सब कुछ चैनल पर आपको मिलने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नोटिफिकेशन की तरफ। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है, यहाँ पर नोटिफिकेशन निकल के आया है और जितने भी वैकेंसीज हैं इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप सब कुछ बताया गया है। आप लोग नोटिफिकेशन को जल्दी से पढ़ लेंगे। हम लोग यहाँ पर पहले बात करेंगे मोटी मोटी जो भी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है काफ़ी लंबा होता है, उसमें हर चीज़ आपको बता पाना मुश्किल होता है। तो जो मोटे मोटे तौर पर आप सभी लोगों की जो ज़रूरत की होती है वो चीज़ यहाँ पर हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर इसी रेलवे जोन में जो है वैकेंसी निकल के आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पावर हाउस रोड जयपुर, और उसके बाद में एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ORNWR। तो जितने भी बंदे अप्रेंटिस किए हुए, ITI किए हुए, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए नोटिफिकेशन, यहाँ पर कितनी क्लोजिंग डेट है, कितनी यहाँ पर आपका ओपनिंग डेट है। क्लोजिंग डेट आपकी देख लेते हैं यहाँ पर 8 दिसंबर है। ओपनिंग डेट तो है जो 8 नवंबर को निकल गया था नोटिफिकेशन। तो और यहाँ पर हम देखते हैं नीचे कुछ जाके कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर हम मोटी मोटी आपको यहाँ पर बता देते हैं, जैसे कि कितने जोन में, कौन से जोन में कितनी है, कौन से डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज निकल के आई हैं। उसके बाद पहले कर लेते हैं यहाँ पर, देख लीजिए ये जो है मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय अजमेर, DRM ऑफिस अजमेर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 434 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिए, जितने भी आप लोग यहाँ पर फिटर है, कारपेंटर है, मैशन है, पेंटर है, इन ट्रेडों में अगर आपने किया हुआ है ITI, अगर आप इन ट्रेडों में किए हुए हैं तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जल्दी से आप लोग इसको अप्लाई कर दें और इसमें ज़्यादा भी देर ना करें। इसी तरह से और नीचे भी यहाँ पर काफ़ी डिविजन्स में यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आई हैं, बम्पर भर्ती हैं, 2000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर भर्ती हैं। तो यहाँ पर आप इसी तरह से देख सकते हैं कुछ और। यहाँ पर DRM ऑफिस बीकानेर में कितने देख लीजिए, 422 यहाँ पर पदों पर भर्ती निकल के आई है। ITI पास यहाँ पर भी मांगा गया है इन रिलेटेड ट्रेड में, अगर आपने ITI कर रखा है तो जल्दी से आप लोग आवेदन कर दें। इसी तरह से और भी यहाँ पर है DRM ऑफिस जयपुर, ठीक है, DRM ऑफिस जयपुर में, और क्वालिफिकेशन सभी के लिए यहाँ पर ITI रखा गया है, ITI प्लस 10। 10th के अलावा आपने अगर कोई इक्विवेलेंट कर रखा है, अगर 12th भी कर रखा है तब भी आप लोग भर सकते हैं, साथ में अगर आपने ITI किया हुआ है। तो DRM ऑफिस जोधपुर यहाँ पर आप देख सकते हैं 374 यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई हैं, ITI यहाँ पर भी मांगा है। और कुल मिला के यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर इन रिलेटेड ट्रेड्स में अगर आपने ITI किया हुआ है तो जल्दी से आप लोग देर ना करें और भर्ती को जल्दी से आप लोग आवेदन कर दें। इसी तरह से यहाँ पर BTC कैरिज अजमेर में, यहाँ पर कुल मिला के टोटल है यहाँ पर ऊपर वाले में, हाँ जी हाँ, यहाँ पर है 125। और उसके बाद में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दी रखी हैं 25, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो ITI प्लस 10th पास यहाँ पर मांगा गया है। इसी तरह से आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर BTC लोको अजमेर में भी यहाँ पर दे रखा है ITI के लिए, यहाँ पर कुल 52 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। कैरिज वर्कशॉप में यहाँ पर है। तो यहाँ से मैंने जो भी है क्वालिफिकेशन के हिसाब से सारा कुछ यहाँ पर मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से अगर एक सर्विसमैन के लिए है तो यहाँ पर इनके लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं वो सब यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास रखा गया, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। अगर आपने 10th पास किया, साथ में NCVT या फिर SCVT से आपने अगर 50% मार्क्स के साथ में ITI कर रखा है इन ट्रेड से, तो अगर आप तो आप लोग इसको भर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आप लोग यहां पर इसको तैयारी कर लीजिए आवेदन करने की। और जो यहां पर पेमेंट फीस है सभी कैटेगरीज़ के लिए 100 रुपये रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, सभी कैटेगरीज़ के लिए 100 रुपये रखी गई है पेमेंट की फ़ीस, और ये केवल ऑनलाइन करनी है आप लोगों को ये पेमेंट। इसके बाद में यहाँ पर कुछ डिसेबिलिटीज़, अगर आप लोगों में से किसी के बंदे के पास हैं डिसेबल हैं किसी तरह का, तो यहाँ पर आप लोग अपनी एलिजिबिलिटीज़ को आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में हम मेन चीज़ यहाँ पर आते हैं किस तरह से जैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोग बता देते हैं, यहाँ पर आपको जाना है RRC जयपुर की वेबसाइट पर,
देख लीजिए, यहाँ पर ये रखा है RRC जयपुर, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक दे दूंगा। RRC जयपुर की वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है और वहाँ पर आप लोगों को आवेदन करने का ऑप्शन मिलेगा, और कैसे मिलेगा अभी आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग जाना है, जैसे यहाँ पर आपका क्रोम है, कोई भी अपना ब्राउजर आप खोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम जैसे यहाँ पर आए हैं सरकारी जल पर, मैंने इस वैकेंसीज को खोल कर रखा हुआ है। यहाँ पर नीचे आप लोग जाएंगे तो सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में भी यहाँ पर भी दिया गया है, और यहाँ पर देख लीजिए ये अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर दे रखे हैं, क्लिक ईयर का आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट लॉगिन है, सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन, और यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे रिक्रूटमेंट 2000 से ज़्यादा पदों पर। अगर आप लोगों को ये वैकेंसी पसंद आई है और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।